बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, एक छोटे से कॉन्वर्सेशन के थ्रू डेली यूज के सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर सीखेंगे कि एक बात को, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, एक शब्द पे एम्फेसाइज करने के लिए किस तरीके से सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना है। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। जैसे कुछ सेंटेंसेज होते हैं, जैसे ऐसा लग रहा है अभी अभी सो करके उठे हो। कई बार कहते हैं यार आपके हेडफोन्स बार बार कैसे टूट जाते हैं। हम कह देते हैं यार कान में लगा के सो जाता हूँ, खिंच जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इन शब्दों को नहीं ट्रांसलेट किया जा सकता सिचुएशन को समझ के हमको बोलना पड़ेगा। जैसे कि ऐसा लग रहा है अभी सो के उठे हो, राइट। कई तरीके देखेंगे इसी बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है। एक बेसिक तरीका हुआ, इट लुक्स लाइक यू जस्ट वोक अप। इसमें हमने कोई ग्रामर वगैरह यूज नहीं करी, दो सेंटेंसेस में तोड़ के बोल डाला, राइट। इट लुक्स लाइक यू जस्ट वोक अप, राइट। अब इसमें अगर हम थोड़ी सी ग्रामर यूज करें, ग्रामर को यूज करके देखिए, यू सीम टू हैव जस्ट वोकन अप, राइट। ये एक एक्चुअल तरीका हुआ इसको अच्छे तरीके से कहने का। इसमें हमने पूरी ग्रामर लगा करके एक पूरा मैसेज क्लियर कर दिया। यू सीम टू हैव जस्ट वोकन अप, यानी ऐसा लग रहा है अभी सो करके उठे हो। बिल्कुल मैसेज क्लियर चला गया, क्लियर इससे भी गया है, राइट। तो इस ग्रामर को समझने का तरीका क्या है, एक मिनट लूंगा मैं आपका, एक मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा। देखिए, यू सीम का मतलब है, सीम वर्ड कहीं भी है तो इसका मतलब यह है कि आप अपने ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, लग रहा है, राइट। इट सीम्स लाइक इट विल रेन, ऐसा लग रहा है बारिश हो जाएगी, राइट। तो यू सीम, आप लग रहे हो। अगर मैं कहूँ आप स्टूडेंट जैसे लग रहे हो तो यू सीम लाइक ए स्टूडेंट। डॉक्टर जैसे लग रहे हो, यू सीम लाइक ए डॉक्टर। यू सीम लाइक ए टीचर, ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं, यू सीम, राइट, मुझे लगते हो आप, राइट। अब मान के चलिए यहाँ पर बात हो रही है काम की, जैसे ऐसा लग रहा है अभी सो करके उठे हो। तो जब हम काम की बात करते हैं तो टू बी साथ में लगा देंगे, जैसे ऐसा लग रहा है आप सो रहे हो। यू सीम, ऑब्जर्वेशन बताया मैंने अपना, यू सीम टू बी स्लीपिंग, ऐसा लग रहा है सो रहे हो, ऐसा लग रहा है आप समझ रहे हो। यू सीम टू बी अंडरस्टैंडिंग, ऐसा लग रहा है आप लिख रहे हो। मैं ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आप लिख रहे हो। यू सीम टू बी राइटिंग माई सेंटेंसेज, राइट। सीम टू बी कह दिया प्रेजेंट के लिए। अब यहाँ पर काम हो चुका है, ऐसा लग रहा है उठे हो, अभी अभी काम हो चुका है, तो टू बी की जगह पर टू हैव कर दिया। यू सीम टू हैव, ऐसा लग रहा है कुछ कर चुके। यू सीम टू हैव वोकन अप, ऐसा लग रहा है अभी उठे हो। यू सीम टू हैव जस्ट वोकन अप, राइट। जैसे कि इसकी जगह पर मैं ये कहूँ ऐसा लग रहा है सो रहे हो, तो यू सीम टू बी स्लीपिंग, और ऐसा लग रहा है उठ गए, यू सीम टू हैव वोकन अप। टू बी प्रेजेंट में कुछ करते हुए लग रहे हो, और टू हैव यानी कि कुछ कर चुके हो ऐसा लग रहा है। सो यू सीम टू हैव वोकन अप, ऐसा लग रहा है आप मेरा सेंटेंस समझ गए। तो यू सीम टू हैव अंडरस्टूड माय सेंटेंस, ऐसा लग रहा है मेरा सेंटेंस समझ गए। अगर मैं कहूँ कि ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से इंग्लिश सीख रहे हो, प्रेजेंट में बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से इंग्लिश सीख रहे हो। यू सीम टू बी लर्निंग इंग्लिश समवेयर। अगर कहूँ ऐसा लग रहा है आपने कहीं से इंग्लिश सीखी है, यू सीम टू हैव, क्योंकि सीख चुके ना, यू सीम टू हैव लर्न इंग्लिश समवेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। और अगर मैं ऐसा कहूँ ऐसा लग रहा है आप टीचर हो, यू सीम लाइक अ टीचर, किसी के जैसे लग रहा है, यू सीम लाइक अ टीचर, राइट। ऐसे नहीं कहेंगे यू सीम अ टीचर, यू सीम अ टीचर नहीं कहेंगे। अगर किसी के एक प्रोफेशन वगैरह किसी की बात कर रहे हैं तो लाइक लगा दिया जाएगा, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, समझ में आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबा दीजिएगा। आपके हेडफोन कहाँ है? देखिए, इस सेंटेंस को मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि अक्सर इसको, इसमें दो बातें हैं समझने की, अक्सर लोग गलत कर देते हैं एक बात को। सी, वेयर आर योर हेडफोन्स। देखिए, हेडफोन्स पता है ऐसा हम इसलिए लगा देते हैं क्योंकि जो भी चीज़ पेयर वगैरह में होती है, सीजर्स हैं, ग्लासेस हैं, हेडफोन्स हैं, शूज हैं, सॉक्स हैं, राइट। जो भी चीज़ पेयर में आ रही है उसके साथ एस लगा देंगे, लेकिन भले हम सिंगल पीस की भी बात कर रहे हैं तब भी हम उसकी साथ में आर ही लगाएंगे। वेयर आर योर हेडफोन्स जब किसी ने कहा तो डेफिनेटली दीज आर हेडफोन्स, है तो एक ही, लेकिन इसको भी हम ये कहेंगे दीज आर हेडफोन्स, ऐसे नहीं कहेंगे दिस इज हेडफोन्स। अक्सर एस लगाना तो शुरू हो गया है लेकिन आर लगाना शुरू नहीं हुआ है, राइट। सो दीज आर हेडफोन्स, भले एक पीस की मैं बात कर रहा हूँ तब भी आर ही कहेंगे। सो वेयर आर योर हेडफोन्स, आपका वो जो एक लटका के घूमते हो गले में वो कहाँ है? लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे हेडफोन टूट गए। इस सेंटेंस के ग्रामर को बड़े ध्यान से देखिएगा कि इसको बोलना थोड़ा सा मुश्किल पता है क्यों लगता है, बेसिक सा सेंटेंस है हेडफोन टूट गए, लेकिन इसके पीछे जो ग्रामर है वो दो तीन सिचुएशन में यूज होती है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। मेरे हेडफोन टूट गए, माई हेडफोन्स ब्रोक, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। इसको इस तरीके से कहा जाएगा, एक और ऑल्टरनेटिव लिखता हूँ मैं, फिर समझिएगा डिफरेंस क्या है। जैसे कि माई हेडफोन्स हैव ब्रोकन, इन दोनों सेंटेंसेस को इस तरीके से कहा जाएगा जब कोई चीज़ टूटी है तो माई हेडफोन्स ब्रोक। लेकिन कन्फ्यूजन कहाँ से आता है, एक लॉजिक हमने हमेशा से याद किया हुआ है। जैसे मैं ये कहूँ मैंने अपने हेडफोन्स तोड़ दिए, आई ब्रोक माई हेडफोन्स,
तो आए ब्रोक, जब हमने कहा तुरंत सामने वाला एक्सपेक्ट करता है कुछ तोड़ा है मैंने, क्या तोड़ा है, आई ब्रोक माई हेडफोन्स, आई ब्रोक माई लैपटॉप। तो वही स्ट्रक्चर जो हम यहां पर सुन रहे हैं, माई हेडफोन्स ब्रोक, तो आगे उम्मीद लगती है हेडफोन्स ने कुछ तोड़ा, इसका वो मीनिंग निकल के आ रहा है बेसिक, हमने जो रूल सीखा उसके हिसाब से। लेकिन यहां से हमको ये समझना है कि एक रूल हर सेंटेंस पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है, एक वर्ड, एक ग्रामर, एक रूल कई जगह पर बदलेगा, कई जगह मीनिंग बदलेगा। तो ये एक्सेप्ट कर लेना है कि इस बात को भी ऐसे ही कहा जाएगा, माई हेडफोन्स ब्रोक यानी कि हेडफोन्स टूट गए अपने आप, या माई हेडफोन्स हैव ब्रोकन यानी टूट चुके हैं, राइट। माई हेडफोन्स डिडेंट ब्रेक एनीथिंग, हेडफोन्स ने कुछ नहीं तोड़ा है, राइट। माई हेडफोन्स ब्रोक, अपने आप वो टूट गए हैं, टूटे हुए हैं, राइट। माई हेडफोन्स आर ब्रोकन भी कहा जा सकता है, अगर उसकी अवस्था बताऊं। मान के चलिए कोई व्यक्ति मेरे पास में आए, मुझसे कहे यार लैपटॉप चाहिए आपका, मैं कह सकता हूँ माई लैपटॉप इज ब्रोकन, अवस्था बताइए उसकी, टूटी हुई है, राइट। माई लैपटॉप इज ब्रोकन, टूटा हुआ है। लेकिन अगर मैं साथ के साथ ये फीलिंग भर के कहूँ टूट गया, पहले टूटा हुआ नहीं था, तो मैं कहूंगा माई लैपटॉप ब्रोक, राइट। पहले से है तो माई लैपटॉप इज ब्रोकन, टूटा हुआ ही है, और अगर अब टूटा है तो माई लैपटॉप ब्रोक, तो ये फीलिंग बदलेगी, राइट। गेटिंग माई पॉइंट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगले हफ्ते में कितनी बार, सॉरी, एक हफ्ते में कितनी बार हेडफोन खरीदते हो, एक हफ्ते में कितनी बार हेडफोन्स खरीदती हो। देखिए बेसिक सा एक ग्रामर का टुकड़ा यूज होगा इतने बड़े सेंटेंस में, प्रॉब्लम पता है कहां पर आ जाती है। हम क्या करते हैं, एक दो तीन चार, ये हर वर्ड को हम अलग अलग समझते हैं, जबकि पोर्शंस होते हैं, वर्ड्स नहीं होते सेंटेंस में, दो तीन पोर्शंस होते हैं बस, एक पोर्शन ग्रामर का, एक सिचुएशन का, और एक वर्ड्स, राइट। एक हफ्ते में कितनी बार हेडफोन्स खरीदते हो, देखिए एक वर्ड कितना बड़ा है, हाउ मेनी टाइम्स अ वीक, ये एक शब्द है, ये अपने आप एक अवस्था बताई इसके अंदर, हाउ मेनी टाइम्स अ वीक, हफ्ते में कितनी बार, कोई ग्रामर नहीं है इसके अंदर, ग्रामर का ये पार्ट भी नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स इन ए वीक भी कहा जा सकता है, हाउ मेनी टाइम्स अ वीक ये ग्रामर है। डू यू बाय हेडफोन्स, हाउ मेनी टाइम्स अ वीक डू यू बाय हेडफोन, राइट। इतना सा समझना है, देखिए समझने वाली बात क्या है, डू यू, डिड यू, कैन यू, कुड यू, कुडंट यू, व्हाई डिडंट यू, व्हाई कुडंट यू, हु डिड यू विद, ये है, विल यू, व्हाई विल यू, When will you, ये ग्रामर है। ये 60-70 रूल्स आपको याद करने हैं सिचुएशन के हिसाब से, अभी की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ, पहले की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीजें हैं। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं पास्ट में करने लग जाऊं, राइट, हाउ मेनी टाइम्स अ वीक डू यू बाय हेडफोन्स, पूछा कितनी बार खरीदते हो, अब मैं पास्ट में पूछूं कितनी बार हेडफोन्स खरीदते थे, तो सिर्फ एक ही तो ग्रामर बदलेगी, पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, हाउ मेनी टाइम्स अ वीक डिड यू बाय हेडफोन्स, राइट। अगर मैं इसी बात को ये कहने लग जाऊं, एक हफ्ते में कितनी बार हेडफोन्स खरीद सकते हो, हाउ मेनी टाइम्स अ वीक कैन यू बाय हेडफोन, तो ये ग्रामर है, इसको सीखना होता है। हम पूरे पूरे शब्दों का मिलान कर करके जब हिंदी से मिलान करते हैं तो हम ना ग्रामर सीख पाते हैं ना सेंटेंस सीख पाते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, अगले हफ्ते का तो नहीं कह सकता पर महीने में लगभग 3 खरीदने पड़ते हैं। जैसे बंदे ने पूछा, हाउ मेनी टाइम्स अ वीक डू यू बाय हेडफोन्स, हफ्ते में कितनी बार खरीदते हो, हफ्ते का तो नहीं बता सकता लेकिन महीने में लगभग 3 खरीदने पड़ते हैं, यानी हफ्ता तो शॉर्ट टर्म है, एक हफ्ते में ना सही, अगले हफ्ते में 2-3 बार खरीद लेता हूँ, हफ्ते का नहीं कह सकता, महीने में 3 खरीदने पड़ते हैं लगभग। तो कांट से अबाउट वीकली, वीकली पता है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि रेगुलरिटी की बात कर रहे हैं, हफ्ते साप्ताहिक तो नहीं बता सकता कितने खरीदता हूँ। तो कांट से अबाउट वीकली बट आई हैव टू बाय अबाउट 3 अ मंथ, आई हैव टू बाय अबाउट 3 अ मंथ, यानी एक महीने में 3 खरीदने पड़ते हैं। इस ग्रामर को बड़े ध्यान से देखिएगा, इस ग्रामर में क्या है, ये भी 2-3 जगह यूज हो जाता हैव टू तो कंफ्यूजन हो जाता है, फिर हम बोलते ही नहीं है कंफ्यूजन की वजह से, पता तो होता है। जैसे कि कांट से अबाउट वीकली, अगर मैंने कहा आई हैव टू, इसके दो मतलब है, कोई काम मुझे रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है तब भी आई हैव टू, और अगर कोई काम अभी मुझे करना है तब भी आई हैव टू। देखिए अगर मैं यहाँ पर यह कहने लगूँ कि मुझे रोजाना एक वीडियो अपलोड करना पड़ता है रेगुलरली, सो आई हैव टू अपलोड अ वीडियो एवरी डे। अब अगर मैं यहाँ पर यह कहने लगूँ मुझे अभी एक वीडियो डालना है तब भी I have to upload a video now, right? तो regularly भी वही बात चलेगी, और अगर कुछ करना है तब भी I have to, और कुछ करता हूँ regular basis पर करना पड़ता है तब भी I have to, right? अब इसी का ग्रामर सिर्फ इतनी है पूरे के पूरे सेंटेंस में, और कुछ भी नहीं है, बाकी तो सिर्फ शब्द हैं। बंदे का नाम, बंदे का काम बदला जा सकता है। जैसे मैं ये कहूँ रोज सुबह 6 बजे उठना पड़ता है मुझे, रोज सुबह उठना पड़ता है, I have to wake up at 6 every morning. I have to wake up at 6 every morning. अब कहूँ रोज सुबह 6 बजे उठना पड़ता था, केवल हैड कह दूंगा, हैव की जगह आई हैड टू वेक अप एट 6 एवरी मॉर्निंग, तो हैव का हैड हो जाएगा, विल हो जाएगा, वुड हो जाएगा, कुड हो जाएगा, शुड हो जाएगा, बाकी तो बंदे का नाम, बंदे का काम बदलता रहेगा। सीखने का थोड़ा सा अगर तरीका सही है तो 2 महीने से ज्यादा लगने नहीं चाहिए इंग्लिश को फटाफट बोलने में,
राइट right? और अगर हम ग्रामर में डीप डाइव करेंगे, चुका चुकी रहा रही करते रहेंगे, तो मैंने देखा है सालों साल हो गए लोगों को, तो आपके हेडफोन टूट कैसे जाते हैं, इस सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। आपके हेडफोन बार बार इसमें मिस हो गया, बार बार टूट कैसे जाते हैं, बार बार लगाना जरूरी है, जिसकी वजह से मैंने ये लिखा था, लिख नहीं पाया, मैं लिख ही देता हूँ मैं बार बार, कि आपके हेडफोन्स बार बार टूट कैसे जाते हैं। अब ये जो बार बार है, ये एक्चुअल में वर्ड थोड़ी ना ढूंढ के लाना है, आप रेगुलरिटी की बात कर रहे हैं, आपके हेडफोन्स बार बार टूट कैसे जाते हैं, सो हाउ डू योर हेडफोन्स कीप ब्रेकिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जो सुन के अडॉप्ट करनी होती हैं, कुछ एक चीजें हैं जो कि हमें बनानी आनी चाहिए। तो ये सारा का सारा ऑल टुगेदर चलता है हमारे लाइव सेशंस में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जैसी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दो फायदे हैं, सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं ग्रुप में, छोटी छोटी बातें करते रहते हैं कि भाई आपके हेडफोन्स कहाँ गए यार, वो तो बच्चे ने तोड़ दिए, कितने के लाए थे, ये वाले अच्छे लग रहे हैं, पहले वाले ज़्यादा अच्छे थे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जब आप सुनेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे, तो पता चल जाएगा कहाँ शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है। पूरा दिन ऐसे नहीं चैटिंग करनी है, ग्रुप में बात कर सकते हैं, फोन पे बात करेंगे, ग्रुप में वॉइस चैट चलता रहता है, तो वहाँ पर जब लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनेंगे तो पता चलेगा एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है और किस सिचुएशन में कहना क्या है, राइट। तो सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, एटमॉस्फेयर यहाँ पे मिल जाएगा, फ्रेंड्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, और फिर शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, तो वहाँ पर भी दिन के जो कन्फ्यूजन वगैरह रह जाते हैं, किसी ने कोई सेंटेंस सुना होता है, कुछ ग्रामर समझ नहीं आ रही, डिस्कशन करते हैं, 1.5-2 घंटा रोजाना सेशन में बैठेंगे, 15-20 दिन के अंदर पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे, और सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, और सब कुछ अनलिमिटेड है, कोई मंथली फीस चार्ज नहीं करते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना है छोटा सा, उसके बाद जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते इंग्लिश में, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड स्पेशली फॉर यू, राइट। तो लाइव क्लासेस में आएगा, व्हाट्सएप जरूर कर दीजिएगा मुझे, आई बी वेटिंग फॉर योर मैसेज। तो मैं कान में लगा के सो जाता हूँ, रात में खिंच के टूट जाते हैं, राइट। जैसे किसी ने पूछा, हाउ डू यू हेडफोन्स कीप ब्रेकिंग, बार बार टूट कैसे जाते हैं ये, मैं कान में लगा के सो जाता हूँ, रात में खिंच के टूट जाते हैं। अब यहाँ पे कान में लगाने के नहीं ट्रांसलेशन लाएंगे, राइट। आई फॉल अस्लीप विद देम ऑन, ये जो वर्ड ऑन हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आई फॉल अस्लीप विद देम ऑन, जैसे ऑन का मतलब होता है पहने होना, जैसे मैं कहूँ मैंने जूते पहन रखे हैं, आई हैव माई शूज ऑन, आई हैव माई हेडफोन्स ऑन, मैंने हेडफोन्स लगा रखे हैं, आई हैव माई हेडफोन्स ऑन, तो लगा के सो जाता हूँ, पहन के सो जाता हूँ का ट्रांसलेशन नहीं करना है, एवरीथिंग इज ऑन, सो आई हैव माई टी शर्ट ऑन, राइट। सो आई फॉल अस्लीप विद माई हेडफोन्स ऑन, दे गेट पुल्ड एंड ब्रेक, खिंच जाते हैं, टूट जाते हैं, पोर्शंस को तोड़ तोड़ करके बोलना है। सो आई फॉल अस्लीप विद माई हेडफोन्स ऑन, दे गेट पुल्ड एंड ब्रेक, खिंच जाते हैं और टूट जाते हैं। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, इससे अच्छा तो एक बिना तार वाला खरीद लाओ, इससे अच्छा एक बिना तार वाला खरीद लाओ। तो जब हम सलाह दे रहे हैं, इससे अच्छा कुछ वैसा कर लो, इससे अच्छा रहेगा, तो 2-3 तरीके होते हैं, आप कह सकते हैं इट्स बेटर यू गेट अ वायरलेस वन, एक कह रहे हैं ए, ये क्वांटिटी है, और जो वन कह रहे हैं ये वाला है, इट्स बेटर यू गेट अ वायरलेस वन, इससे अच्छा तो वायरलेस वाला खरीद लाओ। या फिर आप कह सकते हैं यू हैड बेटर गेट अ वायरलेस वन, हालांकि उसको हैड कहा नहीं जाता, लिखा जाता है, जैसे कहूं यू हैड बेटर गेट अ वायरलेस वन, यानी कि बेहतर होगा वायरलेस वाला ले आओ, लेकिन इसको बोलते समय ऐसे कह दिया जाता है यूड बेटर गेट अ वायरलेस वन, यूड बेटर गेट अ वायरलेस वन, इट्स बेटर यू गेट अ वायरलेस वन, या फिर यूड बेटर गेट अ वायरलेस वन, दोनों का मतलब यही है, आप सलाह दे रहे हैं बेहतर होगा ऐसा कर लो। और भी कई तरीके से इसी चीज को कहा जा सकता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, एक सेंटेंस को 20 तरीके से कम कहा जा सकता है, घुमा फिरा करके, मैसेज विल रिमेन सेम, मैसेज वही रहेगा। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनके खोने का डर रहता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, खोने का डर रहता है, सो दे आर टू स्मॉल, बहुत छोटे छोटे होते हैं, आई एम अफ्रेड, चिंता जता दी आपने, इस वजह से नहीं ले रहा हूँ, सो दे आर टू स्मॉल, आई एम अफ्रेड आई माइट लूज देम, यानी कि खोने का डर रहता है। ये एक लहजा हुआ, जब ऐसा नहीं है, ऊपर के शब्द बिल्कुल अलग है, लेकिन जब आप 10-12 सेंटेंसेस इस प्रकार से बोल लेंगे सिचुएशन में जहां आपको डर है किसी चीज का, आई एम अफ्रेड इट माइट रेन, आई एम अफ्रेड आई माइट गेट लेट, गेटिंग माय पॉइंट, तो चिंता जब जताएंगे तुरंत आई एम अफ्रेड आ जाएगा दिमाग में, सो दे आर टू स्मॉल एंड आई एम अफ्रेड आई माइट लूज देम, इस तरीके से कह दिया। थोड़ा सा घुमा करके देख लीजिए एक बार सेंटेंस को, दे आर टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, आई एम अफ्रेड दे माइट गेट लॉस्ट इजिली, यानी कि आई एम अफ्रेड दे माइट गेट लॉस्ट इजिली, या फिर आई माइट लूज देम, दोनों का मतलब वही है, घुमा फिरा के। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, आज बच्चे जल्दी कैसे सो गए,
जैसे अब यहाँ पर पता है इसमें प्रक्रिया बच्चों के सोने की थोड़ी पूछी जा रही है कि कैसे कैसे सोया, कौन कहाँ सोया है, या फिर सोने में किस तरीके से उन्होंने बिहेव किया, पूछा जा रहा है सरप्राइज, आज कैसे सो गए इतनी जल्दी, सोते तो है नहीं। देखिए हाउ कम जो है ये अपना सरप्राइज जब है तो आप एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि भैया मैं बड़ा सरप्राइज हूँ इस चीज को देख करके। सो हाउ कम इट्स वेंट टू बेड अर्ली टुडे, आज बच्चे जल्दी कैसे सो गए। मान के चलिए आपका कोई दोस्त है अचानक से आया और अच्छी इंग्लिश बोलने लगा जो पहले नहीं बोलता था, तो आप कह सकते हैं हाउ कम, कैसे हो गया ये, हाउ कम यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग गुड इंग्लिश नाउ, राइट। तो जब भी आप सरप्राइज्ड हैं और आप एक्सप्रेशन देना चाहते हैं तो हाउ कम कह दीजिए।